अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम शुरू करेंगे नया टॉपिक इलेक्ट्रोस्कोप। रीडिंग करना शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोस्कोप बेसिकली एक डिवाइस है जो कि चार्ज के बारे में बताता है। ठीक है, चार्ज किस टाइप का है और कौन सा नेचर है चार्ज का। ठीक है, रीडिंग करना शुरू करते हैं। द गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इज़ अ सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटेक्टिंग चार्जेस। इट कंसिस्ट ऑफ अ ब्रास रॉड विद अ ब्रास डिस्क एट द टॉप एंड टू थिन लीव्स ऑफ गोल्ड फॉयल हैंगिंग एट द बॉटम। 13.6 फिगर देख लें। अब वो कहता है कि हम जो स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्कोप, वो है उसका नाम है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ क्यों? क्योंकि इसके अंदर दो लीव्स हैं जो कि गोल्ड के बने होते हैं। ठीक है, ये क्या है? ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि चार्ज डिटेक्ट करता है। वो बताता है कि चार्ज है या नहीं है, और अगर है तो वो कौन सा चार्ज है। ठीक है, मतलब नेचर क्या चार्ज की, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, चार्ज की नेचर क्या होता है, पॉजिटिव होना या नेगेटिव होना। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ अ ब्रास रॉड विद अ ब्रास डिस्क एट द टॉप एंड टू थिन लीव्स ऑफ गोल्ड फॉइल हैंगिंग एट द बॉटम। उसने कहा है कि ये एक ब्रास रॉड, ये जो आपको नज़र आ रही है रॉड, ये एक ब्रास डिस्क जो ऊपर लगी हुई, ब्रास एक मटीरियल है। ठीक है, उसके बाद दो लीव्स गोल्ड के नीचे। ठीक है, द रॉड पासिस थ्रू एन इंसुलेटर दैट कीप्स द रॉड इन प्लेस। अब रॉड को ऐसे रखने के लिए एक इंसुलेटर के अंदर पास करना पड़ता है, इसको कॉर्क कहते हैं। ठीक है, चार्जेस कैन मूव फ्रीली फ्रॉम द डिस्क टू द लीव्स थ्रू द रॉड। अब कहता है कि चार्ज इस डिस्क से ईजिली पास कर सकते हैं, क्योंकि ये जो ब्रास रॉड है ये कंडक्टर है। ठीक है, कंडक्टर के अंदर से चार्जेस ईजिली पास कर सकते हैं। अ थिन एल्यूमिनियम फॉयल इज अटैच टू द लोअर पोर्शन ऑफ द इनसाइड ऑफ द जार। अब वो कहते हैं कि एक एल्यूमिनियम फॉयल, थिन मतलब पतली सी एल्यूमिनियम फॉयल, एल्यूमिनियम भी एक मटेरियल है जिसकी एक फॉयल है जो कि इसके नीचे लगी हुई है, और यूजली द एल्यूमिनियम फॉयल इज ग्राउंडेड बाई कनेक्टिंग कॉपर वायर। दिस प्रोटेक्ट्स द लीव्स फ्रॉम द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंसेस। अब इसके थ्रू हम इसको ग्राउंड कर देते हैं एल्यूमिनियम फॉयल को, ताकि लीव्स पे सिर्फ इस ब्रास डिस्क का चार्ज आए और किसी का चार्ज ना आए। क्योंकि चूंकि ये बहुत सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा करना ज़रूरी है, नहीं तो ये अपने आसपास की चीज़ों का भी डिटेक्ट करती रहेगी चार्ज। ठीक है, डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ चार्ज। इन ऑर्डर टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन एनी बॉडी, ब्रिंग द बॉडी नियर द डिस्क ऑफ एन अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप। इफ द बॉडी इज न्यूट्रल देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन ऑफ द लीव्स, बट इफ द बॉडी इज पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज द लीव्स ऑफ द इलेक्ट्रोस्कोप डाइवर्ज। कहता है कि अगर आप ऐसी कोई बॉडी ले आए इसके पास जिसके ऊपर कोई चार्ज ना हो, जैसे इस केस में इस बॉडी पे कोई चार्ज नहीं है, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लीव्स भी अपनी पोजीशन पर रहेंगे, और हमने लीव्स की पोजीशन से जज करना है कि क्या रिजल्ट होगा, क्या आउटपुट होगा। लेकिन अगर वो चेंज कर दें तो इसका मतलब है कि लीव्स डाइवर्ज कर जाएँ, तो इसका मतलब है कि इस बॉडी पर कोई चार्ज था। कौन सा चार्ज था क्या, वो हम कैसे, वो हम अगले टॉपिक में बताएंगे, लेकिन इसका डाइवर्ज होने का मतलब है कि कोई चार्ज एस्टेब्लिश हुआ है इस पूरे के ऊपर। वो उसी वक्त हो सकता है जब इस बॉडी पे चार्ज हो, क्योंकि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में पढ़ा था कि अगर एक चार्ज बॉडी एक न्यूट्रल बॉडी के पास आती है तो वो उसके ऊपर चार्ज इंड्यूस कर देती है। ठीक है, आगे, फॉर एग्जांपल इफ द बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज देन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन पॉजिटिव चार्ज विल अपीयर ऑन द डिस्क व्हाइल द नेगेटिव चार्ज विल अपीयर ऑन द लीव्स। देन लीव्स ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप रिपेल ईच अदर एंड डाइवर्ज बिकॉज ईच लीव्स गेट सिमिलर चार्ज। द डाइवर्जेंस ऑफ लीव्स विल डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ चार्ज। अब वो कहता है कि अब जाहरी बात है कि अगर इस रॉड पे नेगेटिव चार्ज हो तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस करेगी, और इससे इन लीव्स पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। और कहते हैं कि लीव्स कितने खुलते हैं ये डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ चार्ज पे, कि इस प्लास्टिक की बॉडी पे कितना चार्ज है। अगर ज़्यादा चार्ज होगा तो पूरे खुल जाएंगे, अगर कम चार्ज होगा तो स्लाइड डिफ्लेक्शन होगी, कम मतलब डिफ्लेक्ट होंगे, ज़्यादा डिफ्लेक्ट नहीं होंगे। चार्जिंग द इलेक्ट्रोस्कोप बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से चार्ज करना इसको, इलेक्ट्रोस्कोप को, ये पूरी इलेक्ट्रोस्कोप ही है। ठीक है, फिगर में जो शो कर रही है, इलेक्ट्रोस्कोप कैन बी चार्ज बाय अ प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस पॉजिटिव चार्ज ऑन द इलेक्ट्रोस्कोप ब्रिंग अ नेगेटिवली चार्ज बॉडी नियर द डिस्क ऑफ द इलेक्ट्रोस्कोप। अब वो कहता है कि अगर हम चाहते हैं कि चार्ज उसको भी डेवलप हो, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो, तो हम नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट ले आएंगे उसके पास, जिस तरह हम फिगर 13.8A में देख रहे हैं। इस फिगर में सेम वही फिगर है जो हमने इधर देखी थी फिगर बी में। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज विल अपीयर ऑन द डिस्क ऑफ द इलेक्ट्रोस्कोप वाइल नेगेटिव चार्जेस विल शिफ्ट टू द लीव्स। नाउ कनेक्ट द डिस्क ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप टू द अर्थ एल्यूमिनियम फॉयल बाय कंडक्टिंग वायर। चार्ज ऑफ द लीव्स विल फ्लो टू द अर्थ थ्रू द वायर।
अब वो कहता है कि अगर हम उसके पास, वो कहता है कि अगर हम इस एल्युमिनियम फॉइल को उसकी डिस्क के साथ कनेक्ट कर दें थ्रू अ कंडक्टर, तो वो चार्ज ग्राउंड हो जाएगा, क्योंकि बेसिकली ये सारा ग्राउंड से कनेक्टेड है, तो एल्युमिनियम फॉइल भी ग्राउंड ही को रिप्रेजेंट कर रही है, तो कोई भी चीज़, कोई भी चार्ज इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा तो वो ग्राउंड हो जाएगा इंस्टेंटली। ठीक है, तो हमने क्या किया, डिस्क का जो चार्ज, डिस्क को हमने क्या कर दिया, उससे कनेक्ट कर दिया, जिससे चार्ज खत्म हो गया इसके ऊपर। उसके बाद वो क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज विल अपीयर ऑन द, नहीं सॉरी, चार्ज ऑफ द लीव्स विल फ्लो टू द अर्थ थ्रू द वायर। अब वो उस वायर के थ्रू सारा का सारा चार्ज ड्रेन हो गया। नाउ इफ यू फर्स्ट ब्रेक द अर्थ कनेक्शन एंड देन रिमूव द रॉड, द इलेक्ट्रोस्कोप विल बी लेफ्ट विद पॉजिटिव चार्ज। अब वो कहता है कि अगर हम कनेक्शन को ब्रेक कर दें अर्थ के साथ और रॉड को रिमूव कर दें, तो इलेक्ट्रोस्कोप किसके साथ रह जाएगी, पॉजिटिव चार्ज के साथ रह जाएगी सिर्फ। ठीक है, जैसे कि इस केस में आपको नज़र आ रही है, इसको कहते हैं हम पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप। अब इसको पॉजिटिव चार्ज रखने की मेन तरीका क्या है, मतलब फर्स्ट चॉइस हमारी क्या होनी चाहिए कि हम पहले अर्थ कनेक्शन तोड़ेंगे। उसने इस पे खास जोर दिया है कि हम पहले अर्थ कनेक्शन तोड़ें और फिर उस प्लास्टिक रॉड को रिमूव करें, ओनली देन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा। ठीक है, उसकी वजह मेनली ये भी है कि नेगेटिवली चार्ज जल्दी फ्लो होता है। ठीक है, सिमिलरली इलेक्ट्रोस्कोप कैन बी चार्ज नेगेटिवली विद द हेल्प ऑफ पॉजिटिवली चार्ज रॉड। कैन यू एक्सप्लेन विद दिस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। सेम यही डायग्राम है, बस चार्जेस ऑपोजिट बनेंगे, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोस्कोप कैन ऑल्सो बी चार्ज बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। टच नेगेटिवली चार्ज रॉड विद द डिस्क ऑफ अ न्यूट्रल इलेक्ट्रोस्कोप, नेगेटिव चार्ज विल फॉर्म फ्रॉम द रॉड विल ट्रांसफर टू द इलेक्ट्रोस्कोप एंड विल कॉज इट लीव्स टू डाइवर्ज। उसने कहा कि अगर हम इस पर नेगेटिव चार्ज करना चाहें तो हम क्या करेंगे कि हम एक नेगेटिवली चार्ज रॉड लेंगे और उसको हम क्या करेंगे, उसको टच करेंगे, जिससे कि वो चार्ज है ना वो ट्रांसफ़र हो जाएगा कंडक्शन के थ्रू, मतलब एयर के थ्रू नहीं बट टच करने के थ्रू वो कंडक्ट हो जाएगा। अब अगला टॉपिक है डिटेक्टिंग द टाइप ऑफ चार्ज। अब हमने ये तो बता दिया कि चार्ज है अगली चीज़ पे या नहीं, मतलब अब ये बताना है कि कौन से टाइप का चार्ज है, क्या वो पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। फॉर द डिटेक्शन ऑफ टाइप ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी, इलेक्ट्रोस्कोप इज़ फर्स्ट चार्ज इधर पॉजिटिवली और नेगेटिवली। सपोज इलेक्ट्रोस्कोप इज पॉजिटिवली चार्ज एज एक्सप्लेन बिफोर। नाउ इन ऑर्डर टू डिटेक्ट द टाइप ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी, ब्रिंग द चार्ज बॉडी नियर द डिस्क ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप। इफ द डाइवर्जेंस ऑफ द लीव्स इंक्रीजेज द बॉडी कैरीज द पॉजिटिव, ऑन द अदर हैंड इफ द डाइवर्जेंस डिक्रीजेज द बॉडी इज नेगेटिव चार्ज। मतलब कि कहने का मसला इस पैराग्राफ का कि अगर हम चाहते हैं कि हम टाइप ऑफ चार्ज डिटेक्ट करें तो हम पहले ही इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज कर लेंगे। मतलब अगर मेरे पास एक नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप पड़ी हुई है, तो अगर मैं उसके पास एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी लाऊंगा तो वो उसकी लीव्स और डाइवर्ज कर जाएंगे, मतलब कि ज़्यादा खुल जाएंगे। ठीक है, और अगर वो पॉजिटिवली चार्ज होगी तो वो दोबारा बंद हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह मुझे पता लग जाएगा कि अगली बॉडी भी कौन सा चार्ज है, क्योंकि मैंने अपनी टाइप का चार्ज है इलेक्ट्रोस्कोप पर रखा होगा। उसके बाद तीसरी जो इसका फ़ायदा है वो है कि आइडेंटिफाई करना कि अगली चीज़ कंडक्टर है या इंसुलेटर है। इलेक्ट्रोस्कोप कैन ऑल्सो भी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स। टच द डिस्क ऑफ अ चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप विद मटीरियल अंडर टेस्ट, इफ द लीव्स कोलैप्स फ्रॉम देयर डाइवर्स पोजिशन द बॉडी वुड बी अ गुड कंडक्टर। देर इज नो चार्ज इन द डाइवर्जेंस ऑफ द लीव्स इट विल शो दैट द बॉडी अंडर टेस्ट इज एन इंसुलेटर। अब अगर एक चार्ज बॉडी के पास एक कंडक्टर लेके आया जाए और उसको टच किया जाए उसकी डिस्क के साथ, तो वो सारा चार्ज जो है वो ड्रेन कर लेगा कंडक्टर। लेकिन अगर इंसुलेटर होगा तो वो कभी ड्रेन नहीं करेगा। इसका मतलब है कि अगर टच करने के बाद इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर चार्ज खत्म हो जाए, उनके लीव्स की डाइवर्जेंस खत्म हो जाए, तो अगली चीज़ क्या होगी, कंडक्टर। और अगर ना ख़त्म हो, इसका मतलब है कि ट्रैवल नहीं किया चार्ज ने उसके अंदर से, तो वो इंसुलेटर कहलाएगा। ठीक है, अब अगला टॉपिक हमारा है कूलम्स लॉ, वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।